गुरुदेव के जी चरण नवाऊं शीश। हरि गिर स्वामी मेरे सुदी तेरा आशीष। रतन दास महाराज की ये जी कथा सुनो धारी ध्यान, सुने श्रवण से ध्यान दे सुबह को होई कल्याण। नरेश सिंह अज्ञान की सदा रखो स्वामी लाज, भूल चूक होई गान में सो करो माप महाराज। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग प्यार करने को बच्चों, और हमारी सीता सावित्री अनुसुईया जैसी घूम पड़ने वाली हमारी माता और बहने, मैं पटिया वाले महाराज जी रतनदास महाराज की कथा कहने के लिए जा रहा। आइए ध्यान लगाएंगे कहां से यह कथा आरंभ है। हाय लई लेखनी हाथ, लई लेखनी हाथ वीर बजरंग मनाता हूं। कनिया कबीर बजरंग मनाता हूँ। हे रतन दास महाराज की महिमा गाए सुनाता हूँ। हे वीर बली बजरंग, मैं आप ही के भरोसा हूँ। हे स्वामी महाराज रतनदास जी, आपका बच्चा हूँ, भूल चूक हो जाए उसे माफ करना। अरे ध्यान मेरे गाने पे दियो, अरे ध्यान मेरे गाने पे दियो। ए भूल चूक हुए मापन वास्ते श्रोता जन लियो, भूला चूक हुए मापन वास्ते श्रोता जन लियो। सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझ जैसे अज्ञान नरेश की लाज तुम्हारे हाथ है। गाने में जो कुछ गलती हो जाए उसे बच्चा भाई समझ के क्षमा करते रहें। और देखिए कितनी पावन कथा कहने के लिए जा रहा हूँ। रतनदास महाराज जी की जीवन कथा आपके कानों तक पहुँचा रहा हूँ, और क्या हुआ सुनिए आगे। अरे सुनो सवैया जब कहानी रहो गाए सो मेरे जगदम्ब भवानी। ए मेरे ससिया रहो गाए सो मेरे जगदम्ब भवानी। अरे सुने से दुख मिटे सारो, स्वामी रतनदास महाराज जी की जीवन कथा में किस प्रकार से आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। कैसे कैसे हमारे इस पृथ्वी पर महान तपसी सिद्ध महात्मा हुए सुनिए भैया। साक नदी के निकट ही एक जरारो गाम, जन्मे गुरु जारु वंश में रतन दास शुभ नाम।
साख नदी के ही निकट एक जरारो गांव है। गुर्जर वंश में पैदा हुए हमारे रतनदास महाराज जी। और क्या हुआ भैया, सम्मद 1948 का किस्सा है। अगेन पंचमी को हमारे रतनदास महाराज जी का जन्म हुआ था। और क्या हुआ है, माता पिता के पुण्य से जी लयो स्वामी ने अवतार। माता पिता के पुण्य से हमारे रतनदास महाराज जी ने जन्म लिया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पिता छोड़े सुरपुर गए महाराज जी के पिताजी आज सुरपुर को चले जाते हैं। हाँ, अकेला पुत्र रह जाता है हमारे स्वामी रतनदास जी। हाँ, हुआ क्या, घर गृहस्थी के भार से माता रहती उदास। भैया करन नौकरी भेजी दाए जी सेठी के पास। आज मैया और पुत्र रह जाते हैं, यानी स्वामी रतनदास महाराज जी। उनकी माँ का नाम था विजय कुमार, पिता का नाम चतुर्भुज था। आज विजय कुमार मैया बड़े परेशान रहती है क्योंकि छोटा सा लाला रह गया। आज नौकरी करने के लिए नूराबाद भेज देती है एक सेठ के पास। बहू का भैया, अरे सेठ के करिए नौकरी। भैया सेठी कह करी नौकरी बन गई है स्वामी गाड़ी बन। सेठी कह करी नौकरी बन गई है स्वामी गाड़ी बन। नूराबाद में नौकरी करने लगे हमारे रतनदास महाराज जी। दया के थे वो भंडारी, अरे दया के थे वो भंडारी, अरे करत पर स्वार्थ थे मारी। नौकरी में कमाते थे सबको उसी को लुटा देते हैं। ले जाओ भैया ले जाओ, भगवान हमें और देगा। और क्या भैया, वस्त्रहीन जो कौवे लकीले से
अपने कपड़ा उतार करके उस गरीब को दे देते थे। धन्य है ऐसे दयावान सिद्ध महात्मा के लिए। हर घर घर में ऐसे पैदा नहीं होते हैं। लुटा देते हैं। जहाँ सेठ के पास में नौकरी करते थे उनकी डुकरिया लड़ती है। अरे कवको दानी है वो अपने ही पेट भर ले, सबके लिए लुटा देते हैं। है? आ हुआ क्या हुआ? ए सेठ कहे ऋषिया पास में लगो बड़ो दयावान बन रहो, गंगा जी में चलो, इतना बड़ो संपे सेवा होना, तू नौकरी कर रहा है और सबको लुटा दे तू। आहा अपने पेट को भल्ले पहले माता लइए बुलाए रहे होए समझ आए राणा मेरा बूटा। सेठ ने रतनदास महाराज की मैया बुलवाए लियो, कह लगो अपने लाला समझाए दे यहाँ पे मेरो बस ना चले, जो कमावे वह सब को लुटा दे। ए माता लइए बुलाए रहे हो समझ आए राना मेरा बूटा। जापू कांते लाऊ रोजा रोज कपड़ा जूता। महाराज की मैया पे के कपड़ा जूता मैं कहां से लाऊं, इनको मैं देता हूं सबको लुटा देता है। आहा आए करे रे लोग वागा सवठाटा भैया, करे रे लोग वागा सवठाटा नतला भयावे ओ जारू पट्टा। मैया तेने अपना रतना बेटा सब रो बिगाड़ चुको है, कछु कमावे ना है। हंसने लगे है सब लोग। तो रतनदास महाराज जी बोले अरे ओ सेठ सुन मेरी बात, के मति होई सेठी उदास। सुनता है ना, के मति होई सेठी उदास नौकरी ना करनी। रतनदास महाराज जी बोले अरे ओ सेठ बेचैन मत हो, अब मुझे तेरे यहाँ नौकरी नहीं करनी। भैया क्या बोले रतनदास महाराज जी, जान है चोच दही वो चोरा देगा नहीं रतना घबरा सा। अरे जिस भगवान ने चोच दी है वो चुंगा भी देगा, तू मेरे को क्या दे सकता है? कोई किसी को नहीं देता, सब भाग्य में होता है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है जो कर रहे हैं। ना सुन लाया ना ले जाता सवाया।
मिट्टी मारे आता है, हाथ पसारे जाता है। और ना कमी मालिक की बात नौकरी ना करनी है, मत हो से नौकर है ना कोई मालिक है, भगवान के यहाँ तो सब एक है। ना कोई नौकर ना कोई मालिक, झूठा झंझट ना पा, कर ले है उपकार पर स्वार्थ में बस यही पर रह जाता। नौजवानों, कोई किसी का नहीं होता है, चमत्कार की नमस्कार है। अगर तुम्हारे पास में चार पैसे हैं, तो गांव वाला भी तुम्हारे साथ में आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, हर कोई साथ छोड़ जाता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। भैया कर ले उपकार पर स्वार्थ में बस यही साथ जाता। जे मुझे को है विश्वास नौकरी ना करनी है, मत हो से रतनदास महाराज जी समझाने लगे, सेठ परेशान ना हो, अब मैं तेरे यहाँ नौकरी ही नहीं करूँगा। भैया छोड़ी नौकरी चल दिए गए माता के पास, निकम्मे पन को देखी तरस हो जनानी होती उदास। रतनदास महाराज जी नौकरी को छोड़ करके नूरावास से सेठ के पास से मैया के पास पहुंच गए। मैया ने देखा नौकरी छोड़ के चलाया है, कहने लगी अरे निकम्मे तुझ पर नौकरी भी नहीं हुई, तू कुछ नहीं कर सकता सुन जिंदगी। क्या हुआ भैया? माता के सुन कर बचन गए खेत पे आई, बेटी खेत की मेड़ पे रहे हर ध्यान लगाई। भैया मैया ने कहा और तेरे पर कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसा कर हार में खेतन पे चलो जा, और वहाँ जो चिड़ैया पड़ती हैं उनको बिड़ारता रहे, चला जा, जा करके खेत की मेड़ पर बैठ जातो है। रतनदास महाराज जी और कहा कर रहे, चिड़ैया परन लगी चुगन लगी, लेकिन वो कछु ना कह रहे ना बिड़ा रहे, क्योंकि कोई मोह ही नहीं था, सबको एक समान समझते थे। क्या बोले हैं? रामई की चिड़ैया रामई को खेत, कह रहे हमारा कछु है ही ना, रामई की चिड़ैया रामई को खेत, चुग ले चिड़ैया भरे भरे पे, रामई की चिड़िया रामई को खेत, चुग ले चिड़िया भरे भरे पे।
कह रही थी अहब 20 मन को 22 मन बाजरो है। भगवान की लीला पूरे मेहरबान थे भैया। धीरे धीरे का हो हाय ज्ञान ऐसो लागो अब तो रटे प्रभु को नाम। ज्ञान जागृत भो रतन दास महाराज जी के दिल में दिन और रात राम 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 सीता राम रखते हैं और कुछ काम नहीं देखते। भगवान के लिए डोर लग जाती है। दया की समझ और भैया क्या हुआ है। मगन मन करे प्रभु गुरु